तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि झारखंड वीआई 2015 के दौरान ही पूछा गया था। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल में पूछा है कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, यानी कि हमें सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है जिसका हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, जिसमें दिया हुआ है कि 6 mm ऑफ प्लेट्स, यानी कि जो हमारा प्लेट है उसका थिकनेस कितना दिया है, तो थिकनेस दिया है 6 mm, ठीक है, विद 20 mm डायमीटर ऑफ रिवेटेड, यानी कि जो हम लोग रिवेट इसमें यूज किए हैं, ये जो हमारा रिवेट है इसका डायमीटर दिया है कितना, तो 20 mm रिवेट का डाया दिया हुआ है, हैविंग ऑफ पिच ऑफ 50 mm, अज्यूमिंग परमिशिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट, यानी कि हमारा जो पिच दिया है, पिच का मतलब क्या होता है, एक होल के सेंटर पॉइंट से दूसरे होल के सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं, तो ये पिच कितना दिया है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, तो ये 50 mm पिच दिया है, यानी कि एक जो हमारा होल है उसका सेंटर से लेकर के दूसरे होल का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस दिया है 50 mm, और उसके बाद दिया है कि इस प्लेट में जो टेंसाइल स्ट्रेस है, यानी कि जब हम लोग खींचते हैं उसका टेंसाइल स्ट्रेस जो दिया है वो कितना दिया है, 120 मेगा पास्कल, यानी कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेस कितना दिया है, 120 मेगा पास्कल, तो आप इसको 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। सिमिलरली इसमें दिया है परमिसिबल सीयर स्ट्रेस इन रिवेट्स, यानी कि इस रिवेट में परमिसिबल सीयर स्ट्रेस, यानी कि जब हम लोग इस पे अगर मान लीजिए फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ये क्या होगा, सीयर्ड ऑफ होगा, यानी कि बीच से ये ब्रेक होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा जो रिवेट है वो क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, तो इसका परमिसिबल सीयर स्ट्रेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 90, यानी कि यहाँ पे आप सिग्मा एस लिख सकते हैं, वो कितना दिया है, तो 90 मेगा पास्कल, इसको आप 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिया है कि परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा सी यहाँ पे कितना दिया है इन रिवेट, 180 मेगा पास्कल, यानी कि 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये सारा पैरामीटर दिया है, यानी कि रिवेट का डायमीटर दिया है, हमारा प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है, इतनी सारा पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट का एफिशिएंसी कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसका एफिशिएंसी निकाल करके देखते हैं। तो देखिए, जब हम लोग इस पे शेयरिंग फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो हमारा रिवेट है वो क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, तो जब ब्रेक होगा हमारा ये वाला रिवेट, अगर हमारा ब्रेक हो रहा है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा पार्ट है जब हमारा रिवेट टूटेगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा एक सर्किल टाइप का दिखता है, तो सर्किल का एरिया क्या हो जाता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, तो इसका एरिया हमें ये निकल के आ गया। तो देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है प्लेट का, और यहाँ पे हमारा परमिसिबल सीयर स्ट्रेस दिया हुआ है रिवेट का, यहाँ पे सिग्मा एस लिख सकते हैं या टाउ एस भी लिख सकते हैं, टाउ भी होता है हमारा सीयर स्ट्रेस का, तो टाउ क्यों लिख दीजिए, सीयर स्ट्रेस हो गया और हमारा क्रशिंग स्ट्रेस हुआ, तो इस स्ट्रेस की वजह से हमारा रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, एक चीज हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां पे हमारा किस स्ट्रेस की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सीयर स्ट्रेस की, तो टाउ एस आप लिख दीजिए, और इधर हमारा फोर्स कितना है, तो हमारा सीयर फोर्स हो जाएगा ना, तो पी एस लिख दीजिए, और एरिया हमारा कौन सा, ये वाला, तो हमें निकालना क्या है, ये वाला, यानी कि हमारा इस सीयर स्ट्रेस की वजह से हमारा सीयर रेजिस्टिंग फोर्स कितना हो रहा है, इस मतलब कितना है इस रिवेट में, तो पी एस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टाउ एस इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ एस हमारा यहाँ पे दिया है 90, तो आप 90 कर दीजिए, इंटू एरिया कितना है, तो जब हमारा ये ब्रेक हो जाएगा रिवेट, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी किसका, तो इसका डायमीटर 20 है, तो इसका 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो सीयर रेजिस्टिंग फोर्स इन रिवेट निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है।
तो ये 400 हो गया, ये कट जाएगा, तो इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और ये मतलब 4 यानी 100 हो गया, तो 100 इंटू पाई यानी कि 3.14 इंटू 100 कर दीजिए, और इंटू कर देना है आपसे 90 से, तो इसका 28260 हो रहा है, 28260 ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि इसका mm स्क्वायर हो गया और ये भी हमारा mm स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, केवल न्यूटन बचा ना, तो इतना न्यूटन का फोर्स हमारा क्या हो रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स हो रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स है किसका, तो सियर रेजिस्टिंग फोर्स आ गया रिवेट का, ठीक है। तो पहला हमारा ये पता चल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, तो दूसरा चीज यहाँ पे देखिए क्या दिया है, टेंसाइल फोर्स, जब इस पे टेंसाइल फोर्स दिया है किसका, तो परमिशिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट, यानी कि इस प्लेट में ये जब टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि जब इस प्लेट को हम लोग खींच रहे हैं तो ये कहाँ से ब्रेक होगा, जब हम लोग प्लेट को खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा चांसेस है, ये जो हमारा दोनों होल के बीच में यहाँ पे ये क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जहाँ पे भी फेलियर होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये इतना पार्ट हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो पिच, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को पिच बोलेंगे, और देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये क्या हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, तो पी माइनस टू आर कर देंगे, क्योंकि ये आर अगर कर देंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और इनटू क्या कर देना है, थिकनेस, इस प्लेट का थिकनेस कितना है, यानी कि 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, तो P माइनस डी इंटू टी, ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं कि यहाँ पे जो टीयरिंग हुआ है इसका रेजिस्टिंग फोर्स कितना हुआ है, ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ पे शियर रेजिस्टिंग फोर्स निकाले हैं वैसे यहाँ पे हम लोग टीयर रेजिस्टिंग फोर्स निकालेंगे, यानी कि PT निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, जैसे यहाँ पे टाउ एस हुआ है तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, तो सिग्मा टी यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है इनटू एरिया कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 120 है, तो आप 120 कर दीजिए इनटू एरिया, एरिया पी माइनस डी, तो पिच हमारा दिया है 50 माइनस डी यानी कि इस रिवेट का डायमीटर यानी 20, और इनटू थिकनेस, थिकनेस हमारा कितना है प्लेट का, 6 mm, तो 6 कर दीजिए। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 6 यानी कि 180 और इंटू 120, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 21600 न्यूटन, 21600 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब ये दो चीज हम लोग निकाल दिया, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्रशिंग स्ट्रेस दिया है, तो क्रशिंग रेजिस्टिंग फोर्स निकालना है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी सी निकालना है, तो पी सी के लिए भी क्या होगा, तो सिग्मा सी इंटू एरिया होगा, तो इस समय एरिया की, किसका एरिया का हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए एक हमारा प्लेट है जिसका थिकनेस ये दिया है और इसके अंदर हमारा जो 20 mm का जो रिवेट है इसके अंदर हम लोग डाल दिए, तो यहाँ पे क्रशिंग कितना, मतलब कहाँ पे इस रिवेट में हमारा मेनली कहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो इसी पार्ट में केवल हमारा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एक हमारा डायमीटर हो गया और ये हमारा लेंथ हो गया, यानी कि ये टी हो जाएगा, ठीक है, और इंटू डी ये हमारा डायमीटर, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा सी हमारा देखिए कितना है, 180 है, तो 180 आप लिख दीजिए, और इंटू एरिया के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, डी इंटू टी हो जाएगा, डी इंटू टी, ठीक है। तो 180 इंटू डी कितना है, 20 इंटू टी यानी कि 6, 6 × 12 ये भी 18, तो ये भी कितना हो जाएगा, 21600 न्यूटन, 21600 न्यूटन। इस तरह से हम लोग क्या क्या निकाल लिए, तो शियर रेजिस्टिंग फोर्स निकाल लिए, टीयर रेजिस्टिंग फोर्स निकाल लिए, और हमारा क्रशिंग रेजिस्टिंग फोर्स निकाल लिए। तो ये जितना हमारा फोर्स निकल गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी देखेंगे कि इस जॉइंट का जो एफिशिएंसी है वो कितना होता है। तो देखिए इस जॉइंट का एफिशिएंसी निकालने का हमारा जो बेस्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि इनमें से जो हमारा सबसे लीस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना, मतलब कि सबसे लीस्ट वैल्यू कितना है। तो देखिए ये भी हमारा सेम है, ये भी सेम है, और ये हमारा जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है, यानी कि सबसे कम दोनों में ही कोई होगा तो दोनों हमारा सेम ही है, तो आप दोनों से किसी का भी वैल्यू ले सकते हैं, लीस्ट वैल्यू ले सकते हैं, जो भी हम लोग फोर्स
रेजिस्टिंग फोर्स फाइंड आउट किए हैं उसका लीस्ट वैल्यू ले लीजिए, तो हमारा आप यहाँ पे क्रसिंग ले सकते हैं या हमारा टीरिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये नहीं लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है। और लीस्ट वैल्यू यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट के लिए क्या होगा कि लिस्ट ऑफ पीटी पीएस या पीसी और डिवाइड कर देना है सॉलिड प्लेट का जो स्ट्रेंथ है उसको डिवाइड कर देना है। सॉलिड प्लेट हमारा मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रिवेट नहीं किए हैं यानी कि यहाँ पे होल नहीं किए हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा पर पिच लेंथ में हमारा इसका एरिया कितना हो जाएगा यानी कि सॉलिड प्लेट के लिए हमारा एरिया कितना हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं ऊपर का, अ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पी एरिया क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, ठीक है, यहां पे हमारा एरिया तो मिल गया। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा टेंसाइल फोर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स निकल के आ जाएगा यानी कि सिग्मा टी कर देंगे, तो हमारा इसका कितना आ जाएगा, पी हमारा पिच कितना दिया है 50 इंटू टी, थिकनेस कितना दिया है 6 इंटू सिग्मा टी हमारा 120 दिया है, तो 120 कर दीजिए। तो जब इसको आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और बारती आए 36 है ना, तो 1, 2, 3 जीरो हो जाएगा ना, इतना न्यूटन हो गया। तो चलिए अभी हम लोग ज्वाइंट का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिस्ट वैल्यू कितना है 21,600 और डिवाइड कर देना है 36,000 और ठीक है एफिशिएंसी के लिए इनटू 100 करना पड़ेगा आपको, तो ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 21,600 डिवाइड 36,000 तो ये 60% आ जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 60% इसका इनटू 100 कर दीजिए, ये 60% हमारा एफिशिएंसी हो गया इस ज्वाइंट का। तो देखिए इस ज्वाइंट का एफिशिएंसी निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है और मैं इससे भी कैलकुलेट किया हूँ, तो उसका फार्मूला क्या है, तो P माइनस डी अपॉन पी होता है, तो P यहाँ पे यानी कि पिच कितना है 50 माइनस डी यानी कि 20 और डिवाइड पिच यानी कि 50 ठीक है और इंटू 100 कर दीजिए, तो इससे करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देख लीजिए, ऊपर 30 डिवाइड 50 और इंटू 100 तो ये 30 × 2 यानी कि 60%। तो इस तरह से भी हम लोग निकालते हैं, लेकिन बेस्ट जो तरीका है यही है, ये शॉर्टकट तरीका है। तो इस तरह से हमारा दो मेथड से यहाँ पे एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट कर लिए इस लैब जॉइंट का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।